दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं जो सेकंड सिटी में साइबर डिफेंस का पेपर हुआ था, इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यानी कि आंसर की। तो आप लोग मैच कर लेना कितना सही होगा। जिनका कल एग्जाम है उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा कि फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग वाला आप लोगों को दोनों देख करके जाना है, ठीक है। तो चलो हम आंसर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है। क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा मैक्स द सिस्टम स्लोअर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि साइबर स्पेस वाज क्वाइंड बाय, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो साइबर स्पेस है वो कब इसका गाड़ा गया था, ठीक है, यानी साइबर स्पेस जो हमारा वो कब आया था, सॉरी दोस्तों, यानी कि जो साइबर स्पेस है वो किसके द्वारा गाड़ा गया था, ठीक है, यानी कि साइबर स्पेस को कौन लाया था, ठीक है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा का आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विलियम गिब्सन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विलियम गिब्सन। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बोल रहा है कि इन विच ईयर हैज हैकिंग बिकम अ पार्टिकल क्राइम एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब आप लोगों का ये हो गया कि जो साइबर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ना किस वर्ष हैकिंग एक व्यावहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था, ठीक है। तो जो आपका तीसरा होगा इसका आपका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी कि 1970 में, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर में बताया गया है कि गवर्नमेंट हैड सम हाईली स्किल्स हैकर्स फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट, दीज टाइप्स ऑफ हैकर्स आर टर्म्ड एज, मतलब इसका कहने का मतलब आपका ये हो गया कि जो सरकारों ने 8 देशों या राज्यों के लिए जो साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उचित कुशल हैकरों को काम पे रखा है, ठीक है, तो इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा ना, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा नेशन, ठीक है। उसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव की ओर। तो फाइव में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वायलेट साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि जो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। तो इसका जो पाँचवा है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन विच ईयर इंडिया IT एक्ट केम इन टू एक्सिस्टेंस, मतलब ये जो हमारा IT एक्ट है वह कब आया था, ठीक है, कौन सा साल में आया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका होगा यानी कि 2000 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बताया गया है कि इन विच ईयर द इंडियन IT एक्ट 2000 गोट अपडेटेड, मतलब ये जो IT एक्ट 2000 में जो आया था, ठीक है, IT एक्ट 2000 ईस्वी में, इसको कब अपडेट किया गया था, ठीक है। तो जो सातवां है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि 2000 में आया था और 2008 में इसको अपडेट किया गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। तो देखो एट में क्या बताया गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा एट है, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर एट बता रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब आप लोगों को हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर खुद से समझना होगा, अगर इसका हिंदी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिए और आपका हिंदी भी समझा दीजिए, ठीक है, तो आपको हिंदी समझा दिया जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग आंसर को देख लेना, ठीक है। जो आठवां है उसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, आठवां का आपका डी होगा, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी होगा, ठीक है, क्या होगा, डी, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर नाइन है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, ठीक है, क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है, सी का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नाइन का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सिफर टैक्स होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर। टेन में क्या बताया गया है कि जो क्रिप्टोग्राफी है वो कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, यानी कि जो आपका दसवां है इसका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितने टाइप्स में, आपका थ्री टाइप्स में। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका होगा सी, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा कॉर्पोरेटेड एथिक्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, सो 11 की ओर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। 12 में आपका क्या बताया गया है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी होगा, ठीक है, आपका क्या होगा, बी होगा, यानी कि एथिक्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो उसका आपका होगा ए, यानी कि साइबर एथिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 में क्या बताया गया है, तो देखो इसका जो 13 का होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, यानी कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भरने के लिए दिया गया, ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जो बी में है वो आपका है नेट कैट, ठीक है, नेट कैट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर,
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा जिनका कल एग्जाम है, ठीक है, और उनका अगर तैयारी करने में कोई दिक्कत आ रहा होगा तो फर्स्ट सीटिंग एंड सेकंड सीटिंग वाला पेपर तो आपको देख ही लेना है, ठीक है। इसके अदरवाइज अगर आपको कोई भी और दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, यहाँ पे भी आपको भरने के लिए दिया गया, मतलब कुछ खाली दे देगा और आपको इसका बताना आंसर, ठीक है। तो 15 का जो होगा आपका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि टीसीपी डंप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की ओर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे जगह खाली आपका, और यहाँ पे आप लोगों का जो एक क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी आई ओ एस, क्या हो जाएगा आपका, बी आई ओ एस। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी, ठीक है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो जो 18 में बताया गया है इस क्वेश्चन को जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी होगा, ठीक है, यानी कि अनवांटेड होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग, ठीक है। तो देखो एक ही बार डबल डबल बार आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। जो 19 का होगा वो इसका क्या होगा, आपका डी होगा, ठीक है, यानी कि रीस्टोर पॉइंट होगा, ठीक है। 19 का क्या होगा आपका, डी होगा, रीस्टोर पॉइंट। आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझ आना, ठीक है, सिर्फ आंसर को देखने से नहीं चलेगा, क्वेश्चन को आपको समझना। अगर क्वेश्चन समझ आते हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाओगे तो आप लोग को कमेंट करना है कि सीटिंग 1 का और सीटिंग 2 का जो दोनों पेपर हुआ था उसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख करके बताइए उसको, ठीक है। तो हम लोग आपको लिख करके बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, समझाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है इसमें आपको बताया गया कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सारा क्वेश्चन बताया गया है कि अंदर ही आया, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर मैक्सिमम दो क्वेश्चन भी करके जाते हैं तो इसी के अंदर से आपको आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका क्या है, 21 है, ठीक है, 21। इसमें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा एप्पल टू। क्या हो जाएगा आपका, एप्पल टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 22 की ओर। 21 का हो गया आपका बी, हो गया एप्पल टू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 के अंदर आपका देखो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, 22 का आपका बी होगा, जो कि आपका 3 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 23 है, ठीक है। अब देखते हैं 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो 23 में आपको जो बताया गया इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा बी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, बी होगा, पोलियोमॉर्फिक होगा, ठीक है। क्या होगा इसका, पोलियोमॉर्फिक। उसके बाद चलते हैं आपका 24 की ओर। तो 24 में आप लोग देखो बी, ठीक है, 24 का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वॉरियर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आपका इसका हो गया आपका 24 का आपका बी हो गया, डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25 के अंदर आपका बताया गया है जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा, ठीक है, यानी कि नॉन रेसिडेंट वायरस, ठीक है, नॉन रेसिडेंट वायरस होगा आपका। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 में देखते हैं क्या बताइए। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी। 16 का क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है, यानी ए एस पी ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। तो देखो एक ही पेपर डबल बार आ गया, ठीक है, तो इसको आपको मैन नहीं करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी हो गया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। ये जो फर्स्ट सीटिंग के अलावा ये जो सेकंड सीटिंग वाला पेपर है थोड़ा सा हार्ड पूछा है, बट उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब 27 है तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 27 का वो आपका ए होगा, ठीक है, यानी कि आई आई एस। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं 28 की ओर। तो 28 में क्या बताया गया, तो 28 में आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, डी होगा, इसका हो जाएगा पासवर्ड गैसिंग, डी हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का आपका क्या हो गया, डी हो गया। उसके बाद चलते हैं 29 की ओर। 29 में आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, सी, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लीन आई आई एस लोग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, इसका डी हो जाएगा, 30 का आपका डी हो जाएगा, यूज लो स्पीड इंटरनेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 30 क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को किस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसी टाइप का आपका प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देंगे, ठीक है। और अगर सीटिंग 1 और सीटिंग 2 दोनों पेपर आपको अगर समझ में आ गया तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना कि हाँ मुझे दोनों पेपर समझ में आ गया, ठीक है। और अगर ना समझ में आया तो किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर आप लोग और भी बेस्ट तरीका से इसका तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो जितने भी सारा आपको
वीडियो पहले बताया गया था, ठीक है, चैनल पर जितना सारा बताया गया था जो साइबर